मन और शरीर का रिश्ता जंग की सीख। शारीरिक और मानसिक विकास में कोई अंतर नहीं है। जैसे एक पौधा अपना फूल पैदा करता है, वैसे ही हमारा मन अपने प्रतीक बनाता है। ये शब्द कार्ल जंग ने कहे थे, जो हमारे मन और शरीर की पारंपरिक समझ को चुनौती देते हैं। जंग की सीख सिर्फ दार्शनिक नहीं है, यह जीने का एक व्यावहारिक तरीका है। सदियों से हम अपने मन और शरीर को अलग अलग मानते आ रहे हैं, लेकिन जंग एक अलग नजरिया पेश करते हैं। वे हमारे पूरे अस्तित्व को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में देखते हैं। यह दृष्टिकोण उपचार और विकास के नए रास्ते खोलता है। हमारी भावनाएं शारीरिक लक्षणों के रूप में सामने आ सकती हैं। हमारे शारीरिक सेंसेशंस हमारे मेंटल स्टेट को प्रभावित कर सकते हैं। इस कनेक्शन को समझना ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। सदियों से पश्चिमी सोच द्वैतवाद का शिकार रही है। यह विचार है कि मन और शरीर अलग अलग एंटिटी हैं। यह कंसेप्ट प्राचीन यूनानी दर्शन से चला आ रहा है। प्लेटो ने शरीर को आत्मा के लिए एक जेल बताया था। यह विचार युगों युगों तक कायम रहा है। आधुनिक समय में यह अलगाव और भी स्पष्ट होता गया है। हमने मानव स्वास्थ्य के हर पहलू के लिए स्पेशलाइज्ड फील्ड्स विकसित किए हैं। हालांकि इस स्पेशलाइजेशन से कई एडवांसमेंट्स हुए हैं, लेकिन इसने अलगाव के विचार को और भी मजबूत किया है। हम इंडिविजुअल पार्ट्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे व्यक्ति की दृष्टि खो चुके हैं। हालांकि समय बदल रहा है, इस ड्यूअलिस्टिक व्यू की सीमाओं को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। मन और शरीर के लिए एक यूनिफाइड अप्रोच अपनाना जिंदगी बदल सकता है। यह उपचार और व्यक्तिगत विकास के नए रास्ते खोलता है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक सेंसेशंस के बीच कनेक्शन को पहचानते हैं, तो हमें सेल्फ केयर के लिए पावरफुल टूल्स मिलते हैं। हम सिर्फ लक्षणों को मैनेज करने के बजाय उनकी जड़ तक पहुंच सकते हैं। इस इंटीग्रेटेड अप्रोच के कई फायदे हैं। यह स्ट्रेस और एंग्जायटी को कम कर सकता है। जब हम समझते हैं कि हमारे विचार हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं, तो हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस के जरिए अपने नर्वस सिस्टम को शांत करना सीख सकते हैं। यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। अपने शरीर पर इमोशनल स्ट्रेस के प्रभाव को पहचानकर हम इसे दूर करने के लिए कदम उठा सकते हैं। इससे बेहतर नींद, पाचन में सुधार और मजबूत इम्यून सिस्टम मिल सकता है। इसके अलावा यह होलिस्टिक व्यू हमारे रिलेशनशिप्स और जीवन की ओवरऑल क्वालिटी को बेहतर बना सकता है। जब हम खुद के साथ ज्यादा जुड़े होते हैं, तो हम अपनी जरूरतों को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। चलिए मन और शरीर के संबंध के बारे में जंग की सीख को और गहराई से समझते हैं। हम इसे 10 की पॉइंट्स में बांट सकते हैं। प्रत्येक पॉइंट इस बारे में एक अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि हमारे मानसिक और शारीरिक पहलू कैसे आपस में जुड़े हैं। सबसे पहले ग्रोथ के विचार पर गौर करें। जंग का सुझाव है कि हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उतना ही स्वाभाविक है जितना कि शारीरिक विकास। जैसे एक पौधा सूरज की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमारा मन स्वाभाविक रूप से पूर्णता की ओर बढ़ता है। दूसरे, जंग सिंबल्स की बात करते हैं। ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड की भाषा है। ये हमारे सपनों, कला और यहां तक कि शारीरिक लक्षणों में भी दिखाई देते हैं। इन सिंबल्स को समझने से हमें अपने अंदर छिपे हुए व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिल सकती है। तीसरा, एनर्जी फ्लो का कॉन्सेप्ट है। जंग का मानना था कि ऊर्जा मन और शरीर के बीच स्वतंत्र रूप से बहती है। इस प्रवाह में रुकावटें शारीरिक या मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा कर सकती हैं। चौथा, जंग बैलेंस के महत्व पर जोर देते हैं। जैसे हमारा शरीर होम्योस्टेसिस चाहता है, वैसे ही हमारा मन संतुलन चाहता है। यह संतुलन गतिशील है, जो लगातार आंतरिक और बाहरी परिवर्तनों के साथ खुद को एडजस्ट करता है। पांचवा, कॉम्पेंसेशन का विचार है। जब हम खुद के एक पहलू को नजरअंदाज करते हैं, तो दूसरा ओवर कंपेंसेट कर सकता है। विजुअलाइजिंग होलनेस, अ मेंटल जर्नी। अपने मन और शरीर की कल्पना एक विशाल इंटरकनेक्टेड लैंडस्केप के रूप में करें। अपने भौतिक रूप को दर्शाती हुई लुढ़कती पहाड़ियों की तस्वीर बनाएं। घाटियों से होकर विचारों की धाराएं बहती हैं। भावनाएं आकाश को जीवंत रंगों से रंगती हैं। यह मेंटल इमेज हमें अपने अस्तित्व की एकता को समझने में मदद करती है। यह सिर्फ एक मेटाफोर नहीं है, यह हमारी वास्तविकता का प्रतिबिंब है। इस लैंडस्केप में हर एलिमेंट दूसरों को प्रभावित करता है।
चिंता का तूफान धाराओं को ओवरफ्लो कर सकता है, जिससे घाटियां चिंता से भर जाती हैं, पहाड़ियां तन सकती हैं, जो शारीरिक तनाव को दर्शाती है। लेकिन उतनी ही आसानी से शांत विचारों की एक कोमल हवा पूरे दृश्य को शांत कर सकती है। ये विजुलाइजेशन हमें अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति के बीच निरंतर इंटरप्ले को समझने में मदद करता है। सैरा'स स्टोरी फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन टू हार्मनी। मिलिए सारा से, जो एक 35 वर्षीय मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। सालों तक वह क्रॉनिक हेडेक्स और इंसोम्निया से जूझती रही। उसने दर्द की दवा से लेकर नींद की गोलियों तक कई तरह के इलाज आजमाए, किसी भी चीज से स्थायी राहत नहीं मिली। सारा के लिए टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने एक होलिस्टिक अप्रोच आजमाने का फैसला किया। उसने एक ऐसे प्रैक्टिशनर के साथ काम करना शुरू किया जो सिर्फ उसके लक्षणों को नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को देखता था। इस नई समझ के साथ सारा ने कुछ बदलाव किए। उसने तनाव को मैनेज करने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास शुरू किया। टेंजिबल ट्रांसफॉर्मेशंस, लाइफ आफ्टर इंटीग्रेशन। सारा की कहानी अनोखी नहीं है। बहुत से लोग स्वास्थ्य के लिए होलिस्टिक अप्रोच अपनाने पर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स का अनुभव करते हैं। आइए कुछ स्पेसिफिक एरियाज पर नजर डालते हैं जहां इंटीग्रेशन से फर्क पड़ सकता है। सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट है। जब हम माइंड बॉडी कनेक्शन को पहचानते हैं तो हम अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांस लेने या योग जैसे शारीरिक अभ्यासों का उपयोग कर सकते हैं। इसके विपरीत ध्यान जैसी मानसिक तकनीकें शारीरिक तनाव को दूर करने में मदद कर सकती हैं। नींद एक और एरिया है जिसे इंटीग्रेशन से फायदा होता है। व्यायाम और खानपान जैसे शारीरिक कारकों और चिंता और ओवर स्टिम्युलेशन जैसे मानसिक कारकों दोनों को संबोधित करके हम अपनी नींद की क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं। इसका हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। बेहतर नींद हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकती है, हमारे मूड में सुधार कर सकती है और हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ा सकती है। क्रॉनिक पेन को अक्सर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के जरिए अधिक प्रभावी ढंग से मैनेज किया जाता है। शारीरिक उपचार के साथ साथ तनाव और अवसाद जैसे मनोवैज्ञानिक कारकों को संबोधित करके बहुत से लोगों को ज्यादा राहत मिलती है। अवेकनिंग टू यूनिटी एवरीडे अवेयरनेस। मन और शरीर को इंटीग्रेट करना सिर्फ फॉर्मल प्रैक्टिसेस या उपचार के बारे में नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन में एक नई जागरूकता विकसित करने के बारे में है। अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक सेंसेशंस के बीच संबंधों पर ध्यान देने से शुरुआत करें। ध्यान दें कि तनाव आपके कंधों को कैसे कड़ा कर सकता है। देखें कि कैसे तेज चलने से आपका मूड अच्छा हो सकता है। ये ऑब्जर्वेशंस हमें अपने खुद के माइंड बॉडी कनेक्शंस को समझने में मदद करते हैं। दिन भर खुद के साथ चेक इन करने का अभ्यास करें। आप भावनात्मक रूप से कैसा महसूस कर रहे हैं? आप इसे अपने शरीर में कहां महसूस करते हैं? यह सिंपल प्रैक्टिस आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा सकती है और आपकी जरूरतों के प्रति अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में आपकी मदद कर सकती है। यह आपको संभावित समस्याओं को जल्दी पकड़ने में भी मदद कर सकता है, इससे पहले कि वे गंभीर समस्याएं बन जाएं। अपने शरीर के संकेतों को सुने। बैलेंसिंग एक्ट फिजिकल विगर एंड मेंटल काल्म। होलिस्टिक वेलबींग के लिए शारीरिक गतिविधि और मानसिक विश्राम के बीच संतुलन खोजना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर मूवमेंट के लिए बने हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है बल्कि हमारे मूड और कॉग्निटिव फंक्शन को भी बढ़ावा देती है। यह तनाव और चिंता को मैनेज करने का एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसे आराम और विश्राम की अवधि के साथ संतुलित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने डेली रूटीन में ज्यादा मूवमेंट शामिल करके शुरुआत करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इंटेंस वर्कआउट्स करने हैं। तेज चलना, कुछ हल्की स्ट्रेचिंग या यहां तक कि अपने पसंदीदा संगीत पर डांस करने से भी फर्क पड़ सकता है। ध्यान दें कि विभिन्न प्रकार के मूवमेंट आपके मूड और एनर्जी लेवल्स को कैसे प्रभावित करते हैं। आपको पता चल सकता है कि कुछ एक्टिविटीज आपके लिए खास तौर पर प्रभावी हैं। दूसरी तरफ मानसिक आराम के लिए समय निकालें। इसमें फॉर्मल मेडिटेशन प्रैक्टिसेस शामिल हो सकती हैं, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है। ओवरकमिंग हर्डल्स द पाथ टू होलिस्टिक लिविंग। स्वास्थ्य के लिए होलिस्टिक अप्रोच अपनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हमें अक्सर अपने मन और शरीर को अलग अलग समझने की आदत होती है।
इस नजरिए को बदलने में समय और मेहनत लगती है। एक आम हर्डल है संशयवाद। आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्या ये प्रैक्टिसेस वास्तव में काम करते हैं। याद रखें, इनमें से कई अप्रोचेस अब वैज्ञानिक शोध द्वारा समर्थित हैं। छोटी शुरुआत करें और कहूद पर पड़ने वाले प्रभावों को देखें। समय की कमी एक और बाधा हो सकती है। हमारे व्यस्त जीवन में नई प्रैक्टिसेस को जोड़ना असंभव सा लग सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि छोटी शुरुआत की जाए और इन प्रैक्टिसेस को अपने एग्जिस्टिंग रूटीन में शामिल किया जाए। क्या आप अपने कार्य दिवस की शुरुआत करने से पहले कुछ गहरी सांसें ले सकते हैं? क्या आप लाइन में प्रतीक्षा करते समय माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं? समय के साथ ये छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। निरंतरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पुरानी आदतों में वापस लौटना आसान होता है, खासकर जब हम तनाव में हों या व्यस्त हों। The essence of integration, a summary. जैसे ही हम अपनी खोज के अंत तक पहुंचते हैं, आइए माइंड बॉडी इंटीग्रेशन के की पॉइंट्स को दोहराते हैं। हमने कार्ल जंग की इस सीख से शुरुआत की थी कि हमारा अस्तित्व एक है। हमने देखा है कि कैसे पारंपरिक विचारों ने अक्सर मन और शरीर को अलग कर दिया है और इस दृष्टिकोण की क्या सीमाएं हैं। हमने एक अधिक इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव के फायदों का पता लगाया है, जिसमें बेहतर स्ट्रेस मैनेजमेंट से लेकर बेहतर संपूर्ण स्वास्थ्य तक शामिल है। हमने अपने दैनिक जीवन में इस इंटीग्रेशन को विकसित करने के व्यावहारिक तरीकों को देखा है, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स से लेकर सिंपल अवेयरनेस प्रैक्टिसेस तक। ऐसे कई टूल्स हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। हमने देखा है कि शारीरिक गतिविधि और मानसिक विश्राम हमारे वेलबीइंग को सपोर्ट करने के लिए कैसे मिलकर काम करते हैं। हमने इस दृष्टिकोण को अपनाने की चुनौतियों और उन पर काबू पाने की रणनीतियों को भी स्वीकार किया है। इस पूरी यात्रा के दौरान हमने व्यक्तिगत अनुभव के महत्व पर जोर दिया है। जो एक व्यक्ति के लिए कारगर होता है, वह दूसरे के लिए कारगर नहीं भी हो सकता है। Your turn reflecting on personal wholeness. अब समय आ गया है कि इस ज्ञान को कार्य में बदला जाए। अपने जीवन पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। आप अपने मानसिक और शारीरिक अनुभवों के बीच संबंध कहां देखते हैं? हो सकता है कि आपने देखा होगा कि तनाव आपकी नींद को कैसे प्रभावित करता है या व्यायाम आपके मूड को कैसे बेहतर बनाता है। ये ऑब्जर्वेशंस आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक इंटीग्रेटेड अप्रोच की शुरुआत है। एक छोटी सी प्रैक्टिस को अपने डेली रूटीन में शामिल करने पर विचार करें। यह उतना ही आसान हो सकता है जितना कि हर भोजन से पहले 3 गहरी सांसें लेना। या हो सकता है कि आप रोजाना थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास शुरू करना चाहें। याद रखें, छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। होलिस्टिक वेलबीइंग की यात्रा व्यक्तिगत होती है और हर व्यक्ति के लिए अलग होती है।